फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो भाई, राजमा और चावल किसे नहीं पसंद है, हमें तो बहुत ही पसंद है। तो आज मैंने सोचा वही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 6 घंटे पहले ही इसको अच्छे से भिगो दिया था ताकि ये अच्छे से बने। तो अभी इसको हम एक कुकर में इसको अच्छे से हम पका लेते हैं, बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने राजमा ऐड कर दिया है अच्छे से वॉश करने के बाद। अब यहाँ पे 2 ग्लास पानी ऐड कर दूंगी। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं नमक। तो यहाँ पे नमक डालने से अच्छे से पक जाते हैं। अभी कुकर को हम ढक्कन बंद करके इसकी 4 से 5 सीटी लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि अच्छे से पक जाएंगे और ये बहुत ही खाने में टेस्टी बनेंगे। तो अभी इसकी 1 सीटी हो गई है, बाकी की भी हम 4 से 5 सीटी इसकी लगा लेते हैं। और तब तक के इसके साथ हम बना लेते हैं राइस। तो यहाँ पे मेरे बच्चों को तो जीरा वाले राइस अच्छे लगते, तो वही इसके साथ बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून घी गरम कर लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून जितना जीरा ऐड कर रही हूँ। 1 पिंच में हींग डाल दे रही हूँ। उसी के साथ मैंने यहाँ पे आधे घंटे से चावल को भिगो के रख दिया था। तो उसको वॉश करने के बाद इसमें पानी के साथ इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं पहले, क्योंकि बाकी क्या होगा कि चावल नीचे चिपक जा सकते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से चला लेंगे। बाकी के चावल जो पतीले में लग गए थे, उसी को मैंने इसी तरीके से हाथ से वापस से इसमें ऐड कर दिए। थोड़ा सा हम यहाँ पे नमक ऐड कर देते हैं ताकि ये खाने में और भी अच्छा बने और बाहर रेस्टोरेंट स्टाइल ही लगे। अभी इसको हम मीडियम टू लो आँच पे पकाएंगे, तो इसको ऐसे हम छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पे हम बाकी का चॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज की प्याज ले ली है। तो राजमा की जब तक सीटी बज रही है तब तक हम चॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से इसको बारीक मैंने चॉप कर लिया है 2 प्याज को। अभी यहाँ पे मैं एक हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। आप जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप हरी मिर्च इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक ही मिर्च डाली हुई है। अभी यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए है, उसको भी हम अच्छे से इस तरीके से चॉप कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, उसको भी अच्छे से मैं बारीक इस तरीके से चॉप्ट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसकी पेस्ट भी बना के डाल सकते हो। तो अभी ये सब रेडी है। यहाँ पे अभी हम 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ले लेंगे, उसको भी हम चॉप कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हमारे राजमा भी हो जाएंगे, तो बॉईल बन के रेडी हो जाएंगे। अभी वो रेडी हो गए, तो यहाँ पे मैं घी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी और थोड़ा सा तेल दोनों ऐड किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे मैं डाल देती हूँ दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, और साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1 लाल सूखी मिर्च, थोड़ा सा जीरा 1 टीस्पून जितना, 1 पिंच हींग। अब ये सारी चीज डालने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ लहसुन की कलियाँ जो हमने बारीक चॉप्ट कर ली थी। उसको हम अच्छे से यहाँ पे कच्चापन निकले तब तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं हमारी प्याज जो हमने बारीक चॉप्ट करके रखी हुई थी, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अभी इसी के साथ मैंने अदरक भी चॉप किया हुआ ऐड कर दिया है, उसको अच्छे से हम इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो ये अच्छे से हमने इस तरीके से मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पे हम डाल देते मसाले स्वाद अनुसार, नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर। अभी इसको इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं, तो जो हमारे मसाले वो अच्छे से इसमें पक जाए। तो इसको हम 2 मिनट के लिए ढक के अच्छे से पका लेते हैं। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है। तो अभी 2 मिनट हो गई है, तो हम देख लेते हैं। आप देख सकते हो प्याज और मसाले एकदम अच्छे से मिक्स हो गए। तो अभी यहाँ पे हम डाल देते हैं हमारे चॉप्ट किए हुए टमाटर और हरी मिर्च, दोनों को वापस से अच्छे से हम इस तरीके से चला लेते हैं। तो अच्छे से इसमें भी मसाले हमारे मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे अभी इसको हम ढक के पका लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारे मसाले वो जल ना जाए, वरना क्या होगा कि मसाले बहुत ही जलने लगे थे। मैंने जरा सा एकदम पानी ऐड कर दिया। अब इसको ढक के टमाटर सॉफ्ट होने तक हम 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो अभी हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो गए और आप देख सकते हो अच्छे से पक गया है। तो इसको वापस से अच्छे से इस तरीके से हम चला लेते हैं ताकि ये नीचे बैठ ना जाए। अभी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा गर्म मसाला। तो ये हमें सब मसाले चढ़ने के बाद लास्ट में ऐड करना है। तो यहाँ पे सारे मसाले पक गए, उसके बाद ये अच्छे से टमाटर और सब पक गए। उसके बाद हमने मसाला ऐड किया गरम मसाला, और यहाँ पे साथ ही में मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड कर दिया है। तो ये आमचूर पाउडर डालने से इसमें और भी थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाता है। तो
यहाँ पे सारे मसाले और सब ऐड करने के बाद हमारे राजमा अच्छे से बॉईल हो गए और कुकर भी ठंडा हो गया था, तो उसको हमने इस तरीके से ऐड कर दिया है। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, यहाँ पे हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें ये राइस के साथ खाना है, तो ये थोड़ा सा इस तरीके का करी स्टाइल हो तो ये ज़्यादा अच्छा टेस्टी और लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें पानी ऐड कर दिया है, तो राजमा भी इसमें अच्छे से पक जाए इसलिए इसको हम ढक के 4 से 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। अभी हम चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो ये काफ़ी बढ़िया बन के रेडी हो गए हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया हम स्प्रिंकल कर देंगे। इसको आप राइस, रोटी, पराठा वगैरह के साथ आप खाओगे तो ये काफ़ी बढ़िया लगता है, और राइस के साथ तो ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसको राइस के साथ हम इस तरीके से खा सकते हैं। तो राइस को इस तरीके से साइड में करके बीच में हम राजमा डाल देंगे और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम राजमा बना लिया है हमने बहुत ही अच्छे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कीजिएगा, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।